नौजवान है, आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन जो है, हमारा भाषा है, उनको जीवित रखना है और वही हमारा आइडेंटिटी है। और ये हम क्या चाहते हैं कि ये आने वाले समय में हम इसको नए पीढ़ियों का के लिए पर्कुलेट डाउन करना चाहता है कि ये हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो भाषा है, वेशभूषा है, वो लॉस ना हो, कहीं खो ना जाए। सर, आज के इतना कल्चर है, आज का दिन में इतना जो आपका जो पड़ोसी आसपास से जो कल्चर है, तो वो हमारा कल्चर को हाँ ये इन्वेट ना कर पाए। हमारा अपना कल्चर को प्रोटेक्शन देना है। कौन प्रोटेक्शन करेगा अपना कल्चर का? आप अपने हमें अपने से प्रोटेक्शन करना होगा। जो अभी ये बात तो सिखाना होगा हमारा जो कमिंग जनरेशन को, हाँ, क्योंकि दिस इज मॉडर्न एज, जेड एज है। हाँ, इसमें लड़का को समझना है कि पहले कल्चरल आइडेंटिटी, तब आप दूसरों को पता चल जाएगा कि हम कौन है। ये हमारा समाज का रीति रिवाज है, हम सब मिल के ही हम रीति रिवाज को जिंदा रखना है, यही हमारा पहचान है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में समाज जो है, पॉपुलेशन है, एकदम कम है, लेकिन कितना डाइवर्स कल्चर है, और यही हमारा पहचान है। डाइवर्सिटी इज आवर यूनिटी। हाँ, तो ये सबको जानना जरूरी है और हम इस यूनिटी को जिंदा रखना है। हम लगा और भी कि इतना रिमोट में, इतने छोटे से जगह पे, गांव में इतना बढ़िया प्रोग्राम में तो शहरों में नहीं मिलता है। वेल प्लान और इतने टैलेंटेड यहाँ पे लोग हैं, बच्चे हैं, कि उसका कोई जवाब नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा। और हम ऑलरेडी हम 6 महीने पहले प्लान किए थे आना इस दिन। एनएचपीसी के इंस्पेक्शन के बारे में लगी थी, आपको क्या लगता है ये कब तक कंप्लीट हो पाएंगे और यहाँ के लोग इसको कब तक इसका फायदा ले पाएंगे? सर, देखिए, यहाँ के लोगों को रोज फायदा मिल रहा है। हम अगस्त में कमीशन करेंगे और लोगों के सहयोग से करेंगे। सहयोग बहुत मिल रहा है, देखिए सबका मिल रहा है। और जिसका लाइफ 40 साल हम मानते हैं हाइड्रो का, उसके बाद 40 साल और चलता है, तो सैकड़ों साल, मतलब 100 साल चलेगा। हम इसमें दो दो तीन तीन जनरेशन फ़ायदा लेगी, एक जनरेशन की बात नहीं है। और इससे जैसे बताया आपको कि बहुत सारे 240 मेगावाट का फ्री पावर मिलेगा, और जितने दिन काम चलता रहता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट चलता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो लोकल के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। और जो लोगों ने यहाँ पे काम सीखा है, क्योंकि पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट का तो पूरा हब है अरुणाचल। और अभी हम दिवांग शुरू करने जा रहे हैं, कमला प्रोजेक्ट है आपका, पीछे में एक और हमारी लोअर सियांग है, इस पर काम जल्दी कर रहे हैं। तो हाइड्रो का हम तो कर ही रहे हैं, दूसरे पीसूस भी आ रहे हैं, तो बहुत ही काम होना। और हाइड्रो साहब को बताऊं कि जो नेपाल आपका भूटान है, बहुत फ़ायदा उठाया हाइड्रो से। इंडिया में हिमाचल हाइड्रो से उसकी इकोनॉमी बदल गई, हाइड्रो से आपका सिक्किम की इकोनॉमी चेंज हुई, हाइड्रो से JNK की इकोनॉमी चेंज हुई। तो हाइड्रो के से इतना इकोनॉमी में सरप्लस हो जाएगा अरुणाचल, और हर तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। आपको पता है कि प्रोजेक्ट NGT में था, उसके बाद शुरू हुआ और बहुत मुश्किल हालात में था, और करने के बाद चूँकि यहाँ पे इतना प्रोएक्टिव सपोर्ट रहा फ्रॉम द बोथ द गवर्नमेंट अरुणाचल एंड आसाम, जिससे हम काम कर पा रहे हैं। और आप सबको बताऊं कि यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और सबका अब एक ही उद्देश्य है कि हम अगस्त में जो प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि यहाँ के प्रोजेक्ट कमीशन करेंगे, सब उसी लाइन पर काम कर रहे हैं।